नमस्कार दोस्तों, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 10th ऑफ अक्टूबर 2023 ट्यूसडे और आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। आइए देखते हैं कि यहाँ से मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल न्यू ईयर हॉलीडे था कोलंबस डे के पर कारण, तो इसीलिए मेजर करेंसीज में ज़्यादा कुछ मूवमेंट हमने देखा नहीं है। आज कुछ मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट में जो हुआ है वो फेड स्पीक्स अबाउट डॉविश टोन, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स में सॉफ्टनेस हम देखे हैं। फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग इट इज ट्राइंग टू टेस्ट द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। क्या आने वाले दिनों में इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाना चालू करता है, वो हमें देखना पड़ेगा। डॉलर रुपी साइडवेज कंसोलिडेशन बरकरार है, सो नथिंग न्यू एज फार एज द रुपी मूवमेंट्स आर कंसर्न्ड। वही हमें कंसोलिडेशन का इंतजार करना है। एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा फिर कुछ हम सोच सकते हैं। अभी आपके जीबीपी डॉलर पे जो प्राइस एक्शंस चल रहा है, बॉटमिंग आउट का एक प्रोसेस चल रहा है आफ्टर हिटिंग ए लो ऑफ 1.2037, करेंटली एट 1.2243। अभी ये जो एक नेकलाइन है डेटेड 29 सितंबर, इसके हाई के ऊपर ये डब्ल्यू पैटर्न का ट्रिगर होगा। इन सच ए केस जीबीपी डॉलर का मूवमेंट में बी हेडिंग टुवर्ड्स 1.2380 से 1.2400 एंड 1.2450 से 1.2500 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस सेक्शंस अच्छा खासा है, लेकिन फर्दर कंफर्मेशन चाहिए फॉर द करेंसी पेयर टू मूव हायर। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलर है, यहाँ पे एक अच्छा खासा अप मूव डब्ल्यू पैटर्न का ट्रिगर किया है। एज ऑफ नाउ एक नेगेटिव कैंडल अंडर फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस जाना पड़ेगा। इन सच ए केस वी मे एक्सपेक्ट 103.50 की तरफ एक प्राइस मूवमेंट। यूरो डॉलर सिमिलरली प्राइस अच्छा खासा अप जाने के लिए तैयार हो रहा है। अभी 29 सितंबर का हाई के ऊपर डब्ल्यू ट्रिगर होगा एंड ऑल्सो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना चाहिए। इन सच ए केस 1.07 3050 is the first target and 1.0920 to 1.0950 is the second target होने का possibilities है। Euro INR में भी similar in line। अभी देखिए ये जो 29 सितंबर का high है वहाँ पे जाके close दिया था, but morning से एक थोड़ा सा negative candle under formations हो रहा है। इस high के ऊपर एक close देना चाहिए, तब जाके W trigger होगा एंड also एक trend line resistance ऊपर में, उसको भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना पड़ेगा। इन सच ए केस 89.20 89.50 का एक टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन कल अपने ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में हमने एक चार्ट पोस्ट किया था, जहां पे ये 6 अक्टूबर के लो के नीचे एक जो डाउनवर्ड मूव हो सकते हैं विच में टेस्ट 1.147.2530 एक टेस्ट कर सकता है। अभी मॉर्निंग में ये थोड़ा सा नीचे के तरफ गया था, लेकिन अभी भी आपका हल्का सा ग्रीनिश कैंडल दिख रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर येन में मूव टुवर्ड्स 1.47.2530 एज द फर्स्ट टारगेट। ऑन ब्रेक डाउन वी मे एक्सपेक्ट सम डाउनवर्ड मूव, लेकिन पहले इसका लो को तो टेस्ट करने देते हैं। एक बार लो को टेस्ट कर जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे फर्दर कितना नीचे की तरफ आ सकते हैं। ये आईएनआर पे मीन्स वही है, बॉटमिंग आउट के बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम पिक नहीं कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर कैंडी आपका ये जो ट्विजर टॉप फॉर्मेशंस हुआ था उसके बाद देर आर हायर पॉसिबिलिटीज के ये नीचे की तरफ आए एंड आ चुका है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में, एंड प्राइस थोड़ा सा आपका
मीन्स कैंडी एप्रिशिएट हो रहा है। यहाँ पे वीकली अगर हम चार्ट देखेंगे, टेकिंग रेजिस्टेंस एंड 60 एंड कमिंग डाउन, सो यहाँ पे और भी थोड़ा वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। $80 जो ये कंसोलिडेशन के नीचे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था, ब्रेकडाउन करके फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया, ये फॉल्स ब्रेकडाउन है। ये कंसिडरिंग दैट देयर आर हायर चांसेस इट मे टेस्ट द अपर एंड ऑफ द रेंज दैट इज 0.6520 के तरफ, CNH 7.2795 थोड़ा सा अप्रिशिएट किया है CNH, कंसोलिडेशन जारी है। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन वीकली में है, ये प्राइस एक्शन आपका ये 18 सितंबर वाला जो वीकली है, इसके नीचे अगर फ्राइडे का क्लोजिंग का आने वाले फ्राइडे का क्लोजिंग बन जाता है तो एक CNH अप्रिशिएटिंग प्राइस एक्शन हो सकता है इन सच के CNH में अप्रिशिएट फर्दर। ब्रेंट क्रूड कल आपका आफ्टर द हमास अटैक ऑन इजराइल, ब्रेंट क्रूड ओपन ऊपर की तरफ ओपन हुआ हायर एंड ऊपर की तरफ जाना चालू किया। करेंटली ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो है वो है आपका 88.62। सो जब तक ये सिचुएशंस मीन्स एक क्लियर पिक्चर नहीं दे देता, वॉलेटिलिटी में भी प्रिवेल इन द मार्केट, मीन्स क्लैरिटी बोले तो मीन्स फर्दर एस्केलेट करेगा या एस्केलेट डी एस्केलेट करेगा, वो हमें मॉनिटर करना है एंड पिक्चर दो चार दिन में क्लियर हो जाएगा। US 10 ईयर ट्रेजरी 4.636, यहाँ पे दो ट्विजर टॉप था, लेकिन ट्विजर टॉप नहीं बताएंगे क्योंकि बैक टू बैक नहीं था, एक बीच में एक कैंडल था। सो ये दो बार डबल टेस्ट किया है इस लेवल को एंड दिस बिकम्स ए क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल। कीपिंग दिस एज द स्टॉप लॉस, इसके ऊपर एज द स्टॉप लॉस, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज US 10 ईयर ट्रेजरी में फर्दर सॉफ्टन। सफन होने के बाद इतना ज़्यादा ड्रास्टिक फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट इसको ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज देना है, तब जाके कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। US 2 ईयर ट्रेजरी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे चला गया है एट 4.957। द डिफरेंस बिटवीन US 2 ईयर एंड 10 ईयर इज नाउ 32 बेसिस पॉइंट्स, सो समथिंग पॉजिटिव यहाँ पे। और एक चीज जो है कि US 2 ईयर ट्रेजरी वीकली जो है जो होवरिंग अराउंड 60 कर रहा था, नाउ इट इज ट्राइंग टू कम बिलो 60, सो इट्स अ लिटिल बिट पॉजिटिव। सो यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से जो हमें देखना है लोअर हाई लोअर लो, तो आज के दिन में अगर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, सपोज दिस इज मंगलवार का क्लोजिंग ये ग्रीन कैंडल, देन उसके लो के नीचे एक फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट 10 ईयर ट्रेजरी काफ़ी स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू 2 ईयर, सो जब तक फर्दर कन्फर्मेशन नहीं मिलते हैं तो वीकनेस के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। एक फेड गवर्नर आएंगे डोविश कमेंट देके जाएंगे, दूसरे फेड गवर्नर्स आएंगे हॉकिश कमेंट्स देके जाएंगे, एंड हम फुटबॉल की तरह वॉलीबॉल की तरह बास्केटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर पिंग पोंग बॉल की तरह उछलते रहेंगे, कभी नीचे कभी ऊपर। मीन्स इसीलिए ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करते हुए लेट प्राइस टू डिटरमिन कहाँ जाएंगे, सो उसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। If so, like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए, हमारे friend circle. Thank you and have a great day ahead.